बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच, या कहे तो सबसे ज्यादा बड़ा मैच कंफर्म हो गया है। जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं इस मैकडाउन में, और ना ही सिर्फ रिटर्न करने वाले हैं, बल्कि उनका है एक्सट्रीम रूल्स में एक बहुत बड़ा मैच। समर स्लैम में मिली हार के बाद जॉन सीना WWE से चले गए थे, और ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बाद लगा कि शायद अब जॉन सीना और रोमन रेंज का मैच दोबारा से नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉन सीना का एक टैग टीम मैच होगा रोमन रेंज की टीम के साथ, और वो भी इस मैकडाउन में। पर इस मैकडाउन में ब्रोक लेसनर भी आने वाले हैं, पर अगर ब्रोक लेसनर जॉन सीना और रोमन रेंज के टैग टीम मैच के बीच में आ गए और उन्होंने फिर से अटैक कर दिया जॉन सीना पर, तो एक्सट्रीम रूल्स में 100% ट्रिपल थ्रेड मैच होगा। ब्रोक लेसनर ने समर स्लैम खत्म होने के बाद भी जॉन सीना पर अटैक किया था, पर अगर ये दोबारा से होता है तो फिर ब्रोक लेसनर इतने आसानी से नहीं बचेंगे, और अगर ब्रोक लेसनर मैच के बीच नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो फिर रोमन रेंस और जॉन सीना का इस साल के एक्सट्रीम रूल्स में एक और मैच होगा। अब देखना होगा क्या जॉन सीना समर स्लैम का बदला ले पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या जॉन सीना रोमन रेंस को हराकर बन पाएंगे 17 बार चैम्पियन। WWE की सभी न्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।